जय श्री राम, राम राम। नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के स्टूडियो में बिहार टीचर बहाली सातवें चरण प्राइमरी माध्यमिक उच्च माध्यमिक सीटेट बीटेट एसटेट के बारे में कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। तो बड़ी खबर में सबसे पहले कुछ जरूरी बातें करें तो ये बातें स्पष्ट हो रही हैं। साल के अंत तक हो जाएगी शिक्षकों की नियुक्ति। तो देखना होगा क्या साल के अंत तक इस साल शिक्षकों की नियुक्ति, सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति क्या होती है। और ये बातें भी की गई हैं माध्यमिक व इंटर में शिक्षक भर्ती इसी वर्ष। तो बड़ी खबर है और शिक्षा मंत्री का भी जवाब है। तो बड़ी खबर है जो भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए एसटेट दोनों क्वालिफाइड अभ्यर्थियों के लिए। और यह भी बातें की गई हैं विधान परिषद में। शिक्षा मंत्री बोले नियुक्ति नियमावली अंतिम चरण में। और इधर बड़ी खबर ये भी है पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। तो सबसे पहले बात करें जो कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है, खास करके जो माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थी हैं एसटेट दोनों क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। 4 साल इधर और 8 साल के बाद आयोजन हुए थे एसटेट दोनों का आयोजन हुए थे, तो लगभग 12 साल होने को हैं। तो ऐसे में आप देख सकते हैं बड़ी खबर, जबकि हाई स्कूल या प्लस टू की बात करें उसमें शिक्षकों की भारी कमी है और छठे चरण में भी 2716 पदों पर ही नियुक्ति हो सकी है माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक के रूप में, माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए। जबकि विद्यालय की संख्या 9360 है, जिसमें 6421 नव स्थापित एवं उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय की संख्या है। तो इसको देखते हुए काफ़ी समय से अभ्यर्थी भी इंतजार कर रहे हैं और शिक्षकों की भारी कमी है माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री के माध्यम से भी तो बातें स्पष्ट की गई हैं और लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, खास करके माध्यमिक उच्च माध्यमिक के लिए। कारण है छठे चरण में भी काफ़ी कम पदों पर ही नियुक्ति हो सकी है, 2716 पदों पर ही हो सकी है, जबकि ये प्रक्रिया भी 4 साल लगभग चली। तो ये भी बातें हैं। तो ऐसे में सवाल पूछा गया जो भाजपा के प्रमोद कुमार के क्वेश्चन हैं। और क्या पूछे गए, पूछे गए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने के लिए नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के आधार पर। बताया गया है कि भाजपा के जो नवल किशोर यादव ने पूरक प्रश्न इस संबंध में पूछे, तो ये भी बातें की गई हैं। और शिक्षा मंत्री का देख लेते हैं क्या बड़ा बयान सामने आया। तो बड़ा बयान ये है कि जो 15 साल नहीं लगेगा, 2023 में ही नियुक्ति पूरी कर देनी है। तो ये भी बातें की हैं कि शिक्षा मंत्री का ये कहना है 2023 में ही नियुक्ति पूरी कर देनी है, 12 साल होने को हैं लेकिन 15 साल नहीं लगेंगे। तो अच्छी खबर है, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो प्रक्रिया भी 4 साल छठे चरण की चली, तो इसको अब इस साल ही पूरी करनी है। तो ये अच्छी खबर है तमाम जो भी माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए। अब कुछ ज़रूरी बातें करें तो यहाँ पर ये भी बातें स्पष्ट हो रही हैं कि जो ये क्वेश्चन जो पूछे गए थे नवल किशोर यादव जी द्वारा कि जो नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी या नियुक्ति प्रक्रिया पूरी होगी या फिर नियुक्ति पूरी होगी, ये बातें पूछा गया था। तो यही कहना है कि जो नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी या फिर पूरी होगी, तो पूरी ही होगी इस बार 2023 में नियुक्ति प्रक्रिया, नियुक्ति पूरी होनी है। तो ये बातें हैं 15 साल नहीं लगेंगे, तो ये बातें स्पष्ट कर रहे हैं। और काफ़ी समय से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। और पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन, तो ये भी है सातवें चरण के लिए शिक्षक अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं सातवें चरण का विज्ञापन शीघ्र जारी हो। और इसके लिए सभी अभ्यर्थी जो अभ्यर्थी हैं 4 साल से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं और इसके लिए सातवें चरण का नोटिफिकेशन जारी हो, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो यही बड़ी खबर है।